हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। शुरू करते हैं आज का टेक्निकल अपडेट्स ऑन माय चैनल डू यू नो पे। तो आज बहुत सारे न्यूज़ है। फर्स्ट जो न्यूज आया है, एक छोटा सा रेंडर आ गया है गैलेक्सी नोट 9 का, जो काफ़ी सारे लोगों के पास फोटो लीक हुआ है, रेंडर आया है, जिसमें एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत एंड मोस्ट डिमांडेबल हो सकता है। ऑलरेडी गैलेक्सी 9 बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हो गया है, एस 9 एंड एस 9 प्लस, लास्ट ईयर में एस 8 एंड नोट 8 पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी बना चुका था। तो अभी देखते हैं कि क्या ये नोट 9 मार्केट में क्या कमाल कर सकता है। फोटो में जो देख पा रहा हूँ, जो इसका सबसे ज़्यादा मिस्ट्रियस थिंग इज द एस पेन। देखते हैं सैमसंग इस नोट 9 पे क्या तीर मारता है। नेक्स्ट जो अपडेट है, ये एक मोटोरोला के लिए है। मोटोरोला मोटो J3 का कुछ फोटो लीक हुआ है, जिसमें करीबन हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो पहले वाला जेट प्ले सीरीज था, उसके हिसाब से सेम टू सेम फोटो निकल रहा है इस टाइप का है। मगर ये बेजल और बेजल लेस ऐसे कुछ नहीं है, नॉर्मली जो फोन रहता है ट्रेडिशनल, उस टाइप का कुछ फोन लीकेज आया है। देखते हैं मोटोरोला टाइम पे क्या लॉन्च करेगा एंड मार्केट में कितना रिस्पॉन्स आएगा। कल ब्लैकबेरी का जो Q2 में हम लोग अपडेट दिए थे, उसका थोड़ा हम लोग और भी इंफॉर्मेशन देते, इसका कुछ नया फोटो लीक हुआ है, जिसमें हम लोगों को देख पा रहा हूँ प्रीमियम रेंज का फ़ोन है, जिसमें ब्लैकबेरी का वही पुराना कुआड़ी वाला कीपैड भी है। देखते हैं ब्लैकबेरी मार्केट में कितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अगर इस टाइम पे अगर ब्लैकबेरी ठीक ठाक अगर फोन लॉन्च नहीं कर पाए, तो ये पहले तरह और भी टॉप हो सकता है। डिपेंड करता है इसका कॉन्फ़िगरेशन एंड इसका प्राइस रेंज। नेक्स्ट जो अपडेट है फॉर पिक्सेल एंड नेक्सस यूजर्स के लिए, गूगल शायद इस जून का सिक्योरिटी पैच इस महीने और नेक्स्ट महीने के फास्ट में ये अपडेट कर देगा, जिसका कॉन्फर्मेशन आ गया है। तो नेक्सस एंड पिक्सेल 2XL के यूजर्स के लिए गुड न्यूज है कि इस महीने के लास्ट में और नेक्स्ट महीने के फर्स्ट में इन लोगों का जून का सिक्योरिटी पैच आ जाएगा। नेक्स्ट एक न्यूज ऑलरेडी गूगल ने कंफर्म कर दिया था कि उन लोगों का डिज़ाइन एंड सिक्योरिटी लेवल पे कुछ चेंजेस आएगा, जिसमें जीमेल का एक न्यू लुक आएगा। प्रोबेबिलिटी ये जो अपडेट जो है, ये नेक्स्ट महीने में ये चेंज कर देगा। गूगल जीमेल में कुछ अपग्रेडेशन आएगा, लेआउट में कुछ अपग्रेडेशन आएगा, कुछ और भी अपग्रेडेशन आएगा, जिसमें लोगों को जो एक्सेस वगैरह जो भी करना होता है मेल में, वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखते हैं एक्चुअल में मार्केट में जुलाई में जब इसका अपग्रेडेशन आएगा, तब कितना यूजर ओरिएंटेड होगा ये देखने के बाद ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ओप्पो से है। ओप्पो फाइंड एक्स बोल के जो एक्चुअल फ़ोन लॉन्च करने वाला थे, तो उसका एक कॉन्फर्मेशन आ गया है साइट से कि वो जून 19 में ओप्पो फाइंड एक्स लॉन्च करेगा। शायद ये फ़ोन एक प्रीमियम रेंज का फ़ोन होगा। देखते हैं इसमें ओप्पो क्या और भी ज़्यादा तक ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में कितना पकड़ पाता है इसका फाइंड एक्स जो मोबाइल है इसके ऊपर। नेक्स्ट जो अपडेट है, वीवो का नेक्स्ट एस
सीरीज का, इसका कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हो गया है जिसमें इसका जो रेयर एयर कैमरा जो सेटअप है वो 20+16 का ड्यूअल कैमरा होगा एंड जो डिस्प्ले होगा 6.01 इंच का। नेक्स्ट जो अपडेट है ये एक्चुअल स्नैपड्रैगन 850 का एक विंडोज बेस्ड प्रोसेसर का एक अपग्रेडेशन आ गया है जिसमें बोल दिया है कि नेक्स्ट क्वालकॉम जो प्रोसेसर मार्केट में ले आएगा वो 850 सीरीज होगा फॉर पीसी एंड इट्स बेटर देन 835। स्नैपड्रैगन 835 का लैपटॉप जितना ही था उससे इसका पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो लाइफ बैटरी लाइफ जो है वो 20% बढ़ेगा एंड परफॉर्मेंस के भी हिसाब से 30% इंक्रीमेंट इंक्रीज होगा। तो देखते हैं इसका लॉन्च होने तक और क्या क्या अपडेट आता है इस क्वालकॉम 850 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के लिए। नेक्स्ट जो अपडेट है कि असूस जो है असूस दो नए एक्चुअली लैपटॉप लॉन्च किया है जो है एक्चुअल एक है असूस जेनबुक एज एंड एक है असूस जेनबुक प्रो 15। दो लैपटॉप में दो अलग अलग वेरिएंट है। जेनबुक प्रो में जो है वो है 15.6 4K स्क्रीन एंड सेकेंडरी और भी एक स्क्रीन है 5.5 इंच का जो टच पैड होगा 5.5 इंच का एंड एज जो है वो है अबाउट नियर अबाउट 1 kg एक्चुअली उसका वेट होगा। प्रो में i9 प्रोसेसर होगा, इंटेल कोर i9 प्रोसेसर होगा जो GTX 1030 ग्राफिक्स कार्ड इन बाय एनवीडिया के ऊपर होगा एंड ऑलमोस्ट इसका 16 GB का रैम होगा एंड 1 TB का SSD का स्टोरेज होगा। ये जो लैपटॉप है वो मोस्ट डिमांडेबली था मार्केट में। देखते हैं मार्केट में कितना ये ज़्यादा तक ज़्यादा रिस्पॉन्स लेके आएगा एंड एस जो सीरीज़ है वो मैंने भूल गया कि इसका जो प्राइस होगा वो $2299 का एक्चुअली स्टार्टिंग प्राइस होगा एंड जेनबुक एस जो सीरीज़ है इसका एक्चुअल i7 एंड i5 प्रोसेसर की सबसे हो सकता है एंड डिस्प्ले 13.3 इंच का 4K और 1080p का एक्चुअली इसका डिस्प्ले होगा एंड 85 स्क्रीन रेशियो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। इसका भी प्राइस $1199 से शुरू होता है। देखते हैं आसूस इस लैपटॉप मार्केट में कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। लेनोवो Z5 का जो ऑफिशियली लॉन्च हो गया है, बहुत सारे रिमर्स आ रहे थे मगर ये जो फ़ोन है ये ऑलरेडी चाइना में अनाउंस्ड हो गया। इसका स्नैपड्रैगन 636 का चिप सेट है, डुअल कैमरा सेटअप है, 6.2 इंच का एक 19:9 रेशियो का एक डिस्प्ले है, स्क्रीन है, क्रायो 240 कोर्स एंड क्लॉक्ड है, 1.8 GHz है जो एंटीनो 509G2 बेस्ड में है। इसका जो रैम है 6 GB है एंड स्टोरेज है 64 to 128 GB। इसका जो 4 TB का जो स्पेस एडवर्टाइजमेंट किया था ये अपग्रेडेबल हो सकता है, आप अपग्रेड कर सकते हो 4 TB तक। इसका 16+8 MP का एक AI कैपेबिलिटीज वाला कैमरा होगा, डुअल कैमरा एंड 8 MP सेंसर वाला एक सेल्फी कैमरा है। इसका फेस अनलॉक भी हो सकता है एंड लेनोवो जो बैटरी दिया है इसका 3300 mAh का एक बैटरी दिया है जो फास्ट चार्जिंग USB-C पोर्ट में अवेलेबिलिटीज दे दिया है ऑलरेडी। एंड्रॉयड 8.0 ओरियो वर्सन इसको दे दिया है एंड इट्स ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है, इसका अनाउंसमेंट में ये दे चुका है कि एंड्रॉयड P का अपडेट जल्दी इस डिवाइस को मिल जाएगा।
देखते हैं Z5 मार्केट में कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है। EMI यूजर Xiaomi का जो लास्ट अपडेट आया है वो EMI 8 चाइना में सेल आउट हो गया है विद इन ए मिनट। एज यूजुअल इसका तो कभी भी स्टॉक नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन कर दिया है कंपेरिजनली प्राइस के हिसाब से। 8 तो बहुत पॉपुलर हो सकता है अगर Xiaomi स्टॉक अवेलेबल कर सकता है तो। ये अगर इंडिया में आ जाए तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ जाएगा मार्केट में। देखते हैं Xiaomi EMI मार्केट में लॉन्च करता है कि नहीं। लेनोवो में Z5 की तरह साथ भी और भी कुछ नया फ़ोन मार्केट में लॉन्च किया है। ट्रेडिशनल फ़ोन जैसे आपका लेनोवो K5, नोट A5 एंड वॉचेक्स एंड इसका GUI 4.0 भी इसके साथ लॉन्च किया है। नेचुरली वो K5 नोट एंड A5 इस टाइप का फ़ोन नेचुरली एक बजट ओरिएंटेड फ़ोन है जो ट्रेडिशनली मार्केट में चलता है। लेट्स सी मार्केट में एक कितना कंपटीशन आ रखता है मार्केट में, क्योंकि K5 सीरीज बहुत लास्ट वाला सीरीज में बहुत फेल्योर आया था। तो देखते हैं ये K5 सीरीज में मार्केट में कितना रेस्पॉन्स आता है कि नहीं। iOS में नेक्स्ट अपडेट जो है iOS में Apple iOS में जो अनाउंसमेंट हुआ था WWDC में उसका Apple iOS 12 में कुछ नया अपडेट दिया है जो एडिशनल फेस ID भी रिकॉग्नाइज कर आप दे सकते हो, जिसमें ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। आप लोग एक फोटो रेंडर में देख सकते हो कि एक नया ऑप्शन दिया है सेटअप एंड ऑल्टरनेट अपीयरेंस। ये शायद एप्पल ने एक ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज सोनी ने एक अनाउंसमेंट दिया है कैमरा में, RX 100 वोल्ट के एक अनाउंसमेंट दिया है विथ 24-200 mm, मतलब एक वाइड लेंस के साथ भी एक टेली लेंस का कंपैरिजन में एक लेंस भी ऐड कर चुका है इसमें इन बिल्ड, जिसका अपर्चर 1.8 से 2.8 तक है। तो बहुत ज़्यादा कमाल की ये कैमरा हो सकता है। कैमरा मार्केट में ये ज़्यादा एफिशिएंसी आ सकता है। ये एक्चुअली 20.1 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड द मेन थिंग इज़ दैट इसका लेंस अटैचमेंट जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ सकता है मार्केट में अगर ये एक सही बजट में लॉन्च हो जाए तो। तो ये July 18 में शायद अवेलेबिलिटी लेके आएगा। देखते हैं इंडिया मार्केट में एक कब तक लॉन्च होता है। इसका प्राइस शायद $1200 के आसपास हो सकता है। बस आज के लिए यही था डू यू नो चैप्टर में। देखते हैं कल कुछ नया अपडेट क्या आता है और क्या कैसे आपको मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक थोड़ा दबा दीजिएगा एंड सब्सक्राइब मस्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए मस्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।